ये बताओ कि कपड़ों का बिजनेस कैसे चल रहा है? एक्सप्रेशन मैंने इतना सीरियस दिया जैसे मैं पता नहीं क्या कंट्रोवर्सी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। नहीं, सादा सा सवाल है, कपड़ों का बिजनेस और ये रियल एस्टेट का जो तुम कर रही हो मार्केटिंग वगैरह, ये कैसे कितना इंटरेस्टिंग है? बहुत इंटरेस्टिंग है। कपड़ों में कंपटीशन नहीं बहुत हो गया? बहुत ज्यादा है। कैसे बिकेंगे? थोड़ी देर के लिए रुकी भी हूं। है ना, मुझे तो यही लगता है, मुझे कोई कहते ना बिजनेस करते कपड़ों का, मैं करना भाई कपड़े ज्वेलरी बहुत ज्यादा है, कैसे बीट करेंगे? आपको एक प्रॉपर एक सेटअप चाहिए होता है, आपको लोग चाहिए होते हैं, इट्स नॉट इजी। प्रॉफिट होता है? ऑफ कोर्स हुआ, बिल्कुल होता है। तो फिर रुक क्यों गई? बस थोड़ा सा आई थिंक ले लेना चाहिए प्ले, जब आपको लगे कि कोई चीज उस तरह से नहीं हो रही जैसे आप करना चाह रहे हैं तो जस्ट टेक अ ब्रेक। तो कैसे कपड़े बनाती हो आप, मतलब वेस्टर्न होते हैं, ईस्टर्न होते हैं, दोनों ऑर्डर पे या वैसे ही आके ले लो, उठाओ ऑर्डर लूट लो, आओ? ऑर्डर कस्टम मेड। क्या? और ये जो फ्लैट बेचने वाला बिजनेस है, वो कैसे होता है? समझ आती ना, हमें फ्लैट बुक करा है हमने, तो वो बताएं वो कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, तो अक्सर लोग फ्लैट बुक कराते हैं और बाद में फ्रॉड हो जाता है कि भाई नहीं पैसे डूब गए, वो कैसे डूबते हैं और क्या ख्याल करना चाहिए? आई थिंक वो तो बिल्डर्स पे डिपेंड करता है ना। हाँ, तो बिल्डर पहले देखे, बिल्डर्स कौन है? देखना चाहिए ना कहाँ आप बुकिंग करा रहे हैं, थोड़ी जैसे मैंने रिसर्च चुना लग गया मुझे। कितने फ्लैट बेचे इस साल आपको लगता है? मैं बताऊंगी, बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। ओ माय गॉड, सेल्स का काम सबसे मुश्किल, करोड़ों की प्रॉपर्टी अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। सही बात है, लेकिन आजकल ना मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा भी ट्रेंड क्या चला हुआ है कराची में, एटलीस्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, आइए प्लीज आइए देखिए, और उसके बाद कहा जाता है जी आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे फ्लैट आपका। मैंने कहा कैसे? कह रहे हैं आप बेचे। मैंने कहा मैं कैसे बेचूं? कह रहे हैं आप जी अपने लगा दें व्हाट्सएप स्टेटस पे, यूट्यूब, इंस्टा, और जो बायर आपके थ्रू आएंगे हम आपको कमीशन देंगे। मैंने कहा मुझे कैसे पता चलेगा? तो लेकिन वो बड़े, और फिर मैंने देखा आर्टिस्ट ला भी रहे थे क्लाइंट, में नाम नहीं ले रही, यही है ना कि हमारे हमारे तो बहुत सारे जानने वाले लोग होंगे, फैंस होंगे, फॉलोअर्स होंगे। देयर आर टू वेज टू वर्क, या तो आप ये कि कंपनी आपको सैलरी देगी, ठीक है, या आप उनके साथ, या फिर आप उनके साथ जैसे मैं आई वर्क विद इमार एंड जरजमीन जामिन, तो इमार का एक अलग सेटअप है, वहाँ पे दो तरह के लोग हैं, सैलरी वाले भी और कमीशन बेस पे भी। और कमीशन बेस पे अगर आप 4-5-6 यूनिट्स निकाल लेते हैं तो आप आराम से 3-4 करोड़ 5 करोड़ बना लेते हैं। व्हाट इज बैड? मैं एक चीज कहना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो आप दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। देखें माशाल्लाह रोजे चल रहे हैं और रमजान का महीना है और यहाँ हम बात कर रहे हैं धोखे की और फ्रॉड की, तो व्हाइल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आई एम रियली सॉरी व्हाट्स हैपेंड टू यू, मैं हमारे नाजरीन को एक हल्का सा मशवरा देना चाहता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर कभी भी किसी के साथ धोखा हो जाए ना तो रोए पीटे एक दो दिन के लिए, लेकिन तीन चीजें याद रखें कि जो लेने वाला था वो तो लेकर चला गया, अब आपको ये करना है सबसे पहले सबर, दूसरी चीज शुक्र कि आपके पास था इसीलिए लेकर गया, और तीसरी चीज दरगुजर, क्योंकि यही हमारा दीन भी हमें सिखाता है, बंदे ने आपसे मटेरियल चीज ले ली ना आपका नसीब तो नहीं लिया है, अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह ताला और देगा, इससे आप अपने आप में से जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो लाइक अ कैंसर आप उसको लांस करके निकाल दें, क्योंकि धोखा और ये सब तो सबके साथ होता है, ये तो आजकल की जिंदगी का एक तरीका का हर एक के साथ कुछ ना कुछ, इट्स बेटर टू कट दैट लॉस शॉर्ट, इट गिव्स यू मोर सैटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। वो बंदे ने जिसने आपके साथ धोखे किया है वो अपने अल्लाह को जवाब देगा ना। देखिए रमजान स्पेशल शो लाइव ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।